सर ये है कि अहमद आप मुझे पहले ये बताएं कि आपका फोन उठाते ही आपको फोन आता है तो आप क्या कहते हैं? मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझे कोई सलाम करे तो मैं वालेकुम अस्सलाम करता हूँ। कभी कभी हम हेलो भी कहते हैं। हाँ, कभी कभी हम हेलो भी कहते हैं। आखिर लोग फोन उठाने पर सबसे पहले हेलो कहते ये बताएं। वैसे ये एक बहुत बड़ा मामला है कि और क्यों नहीं वर्ड बोलते हैं, हेलो ही क्यों कहा जाता है? मेजोरिटी 95% लोग, इवन को मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, आप हेलो ही कहते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका बेतकल्लुफाना लेवल ऐसा होता है कि वो हेलो भी नहीं करते, वो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। खैर, ये एक बड़ा मामला है कि हाँ है, लेकिन इसकी मैं हिस्ट्री बताती चलूँ कि जब टेलीफोन ऐजाद किया गया तो जो साइंसदान थे उनको इस लफ्ज से बहुत चिढ़ थी और मुखालफत भी की गई, इरिटेशन थी हेलो वर्ड से कि हेलो नहीं बोला जाए जब भी फोन उठाया जाए। और जब फोन सुनते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, और ये हेलो जो कहा गया उन्होंने कहा कि ये हेलो नहीं कहा जाए क्योंकि हेलो की जगह पे वो एक और वर्ड यूज करते थे, ग्राहम बेल की जो जानिब से जो पहला ओए या इस तरह का कुछ वर्ड वो कर तो आहोए से चलता चलता हेलो और कहीं पे हाय निकलता आया है। और ये 1827 में इस्तेमाल किया गया और उस वक्त ये तस्लीमाती मानों में इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि लोग इसे त्वचा का मरकज करने या अपनी हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हेलो ना होता तो हम क्या कहते, फोन उठाते हम क्या कहते, चले सलाम कर लेते हैं, लेकिन अगर हेलो ना होता या बाहर के मुल्क में जो उनसे ऐसे लिटरली आप सलाम करती? हाँ, मैं सलाम करती हूँ। अच्छा, ओके, गुड। लोग हाय भी कहते हैं। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं उसके साथ आपके बेतकल्लुफी का लेवल क्या है। मोस्टली सलाम भी नहीं चलता। हाँ हाँ भाई, किधर हो, क्या क्या है, क्यों कॉल की है, ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं फ्रेंड्स के अंदर। फिर उसमें आप अपना सर्कल देख रहे हो कि किससे किस तरह से आपने गुफ्तगू करनी है। हेलो नहीं बोला जाता तो यस बोल दिया जाता, कॉल उठाते ही जी जी। अब मेरे में एक और चीज़ भी है कि अगर मैं सलाम ना करूँ, अगर कहीं बिजी बैठा हूँ या इस तरह कुछ, मेरी 99% या 100% कोशिश होती है कि सलाम ही किया जाए, सलाम का जवाब दिया जाए। वरना जैसे मेरी ये आदत है कि मैं जी कह देता हूँ कि जी बताएं कौन, तो इस तरह के वर्ड डेफिनेटली फिर जैसे अगर हेलो ना होता तो हाय होता, हे होता, कुछ ना कुछ तो होता। इस हेलो का बताने का मकसद यही था कि जब फोन ईजाद किया गया और साइंसदानों की तरफ से इस हेलो की बहुत मुखालफत की गई, लेकिन जब से ईजाद किया गया 2 सदियां गुजर चुकी हैं और 2 सदियों से हेलो वर्ड ही इस्तेमाल होता आ रहा है और अभी भी इस्तेमाल होता है और आइंदा आने वाले वक्तों में भी हेलो ही इस्तेमाल होता जाएगा। इतनी मुखालफत के बाद भी हेलो नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ इसमें ट्रेंड नया सेट कर सकती है, चेंज कर सकती है, जो है वो हाँ चलता आया और चलता रहेगा। तो ये बताने का मकसद था कि आहोए वो किया गया था, सबसे दौरे जदीद का जो इसका था एक नाम जो ग्राहम बेल जो था, ग्राहम बेल जो थे वो इसको यूज करते थे और वो करते यही रहे, लेकिन उनके बाद फिर इसको जरा मॉडिफाई किया गया और इसको हेलो की तरफ लेके आए और ओहोए से ये इस तरफ आ गया। तो ये जी हेलो के पीछे राज था जो आपके साथ शेयर किया है।